तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WL के हॉट सेगमेंट्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली काफी कूल होने वाले हैं। तो टॉप 5 सेगमेंट्स होंगे, बस आप वीडियोस को एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। June 2002 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे विंस मैकमैन होते हैं बैकस्टेज और स्टेसी कैबलर उनसे जॉब मांगने के लिए आते हैं। और तुम्हें अच्छे से पता है विंस मैकमैन फ्री में तो कोई चीज देने से रहे, बुढ़ा कैसा है तुमको अच्छे से पता है। वो यहाँ पे अपने काम में माहिर है, तो तुम्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। वो यहाँ पे स्टेसी को दबोचने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, वो यहाँ पे घटिया सा किस कर देते हैं उनको, जिसके बाद स्टेसी का रिएक्शन तुम्हें बता देगा उनको कैसा लगा। बाकी यही सेगमेंट था। November 2012 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे जॉन सीना वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का सिंगल्स मैच चल रहा था, जो कि नॉर्मल था। यहाँ पे विकी गेरेरो और एजे ली भी होती हैं रिंग साइड पे, एंड यहाँ पे जॉन सीना मैच को जीत जाते हैं और डॉल्फ ज़िगलर को हरा देते हैं। एंड जैसे यहाँ पे स्टेन टोल होता है, एजे ली रिंग के अंदर आती है और वो जॉन सीना को मतलब सडनली ऐसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद सीना को तो मजा आना ही था, ऑडियंस को तो ऑलरेडी मतलब ये सारी चीज देखने में अच्छी लगती है। September 2019 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे रूसे वर्सेस सेथ रॉलिंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था, जो कि एक अच्छा खासा मैच था। मैच खत्म होता उससे पहले यहाँ पे बॉबी लैसली इंटरप्ट करते हैं, और वो अकेले आए होते फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे वो रूसेफ की वाइफ लाना के साथ आते हैं। और उसके बाद तो भाई रूसेफ के लिए बहुत ही बुरा लगता है मुझे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और बैरन कॉर्बन भी रैंप पे थे और सबके सामने वो यहाँ पे लाना को किस कर देते हैं, या फिर कह लो लाना उनको किस कर देती हैं, जिसके बाद रूसेफ का तो मोए मोए हो जाता है बेचारे का। और भाई ऑडियंस तो यहाँ पे शॉकिंग रिएक्शन देती है मेरी तरह, मतलब मैं भी उस टाइम काफ़ी शॉकिंग शॉक में था कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सेथ रॉलिंस का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हो। January 2019 स्मैकडाउन, यहाँ पे एक होटल रूम होता है जहाँ पे जिमी उसो और मैंडी रोज होती है। यहाँ पे मैंडी रोज ने इनवाइट किया था जिमी उसो को, किस लिए किया था तुम यहाँ पे सिचुएशन देख के समझ पा रहे होगे शायद। एंड यहाँ पे जैसे जिमी उसो बात करते हैं मैंडी रोज से, मैंडी रोज यहाँ पे कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं, और वो प्रोसेस ही हो रहा होता है तब यहाँ पे एक कैमरा में आके फोटो खींच लेता है जिमी एंड मैंडी रोज की। और ये मैंडी रोज का ही मतलब किया जा रहा था, वो बस यहाँ पे जिमी को ऐसे फंसाना चाहती थी नायोमी के सामने, लेकिन उनका काम मतलब ये सारी चीज़ें होती नहीं। और यहाँ पे नायोमी आ जाती हैं और वो अटैक कर देती है मैंडी रोज के ऊपर उसी हालत में, और मज़ा आ जाता है मेरे को। मंडे नाइट रॉ, द रेटेड आर सुपरस्टार एज ने यहाँ पे अपनी WWE चैंपियनशिप जीती थी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड लीटा के साथ उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, और वो सेलिब्रेट रिंग के बीचों बीच करना चाहते थे अपने बेड पे। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, उन्होंने बेड लगवाई हुई थी यहाँ पे और वो उसी पे सेलिब्रेट करने वाले थे। और ये सिर्फ मजाक नहीं है, मतलब यहाँ पे सच में सेलिब्रेशन होता है। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकता, लेकिन तुम देख ज़रूर सकते हो कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वो प्रोसेस हो ही रहा होता है तब यहाँ पे उनको यू नो इंटरप्ट करते हैं रिक फ्लेयर, और रिक फ्लेयर आते ही मतलब ऐसे अटैक करने की कोशिश करते हैं एज के ऊपर, लेकिन एज यहाँ पे बच निकलते हैं और वो उल्टा रिक फ्लेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। जॉन सीना यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद भागना पड़ जाता है एज को, वो रिंग छोड़कर भाग जाते हैं रैंप पे। एंड जॉन सीना रिंग में ही थे और लीटा भी रिंग में ही थी। यहाँ पे जॉन सीना बोलते हैं एज को कि भाई तू रिंग में आ जा वरना तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अकेली है, लेकिन एज की तो भाई फट चुकी थी, एज यहाँ पे वापस आते नहीं है। एंड जॉन सीना यहाँ पे उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठा लेते हैं, और इसके बाद भी एज नहीं आते। एंड फाइनली यहाँ पे जॉन सीना उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, एंड इस तरीके से मोमेंट एंड होता है। तो यही थे टॉप 5 WWE के हॉटेस्ट सेगमेंट। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था, आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।